मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मोटापा क्यों होता है। तो पहले मोटापा क्या होता है कि तब कहते हैं जब किसी का वेट नॉर्मल से कम 20% एक्स्ट्रा हो। मोटापा आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा, उसके कई कारण होता है। तो मोटापे के कारण क्या होते हैं, या तो हार्मोन गड़बड़ी हो सकती है, या खानदानी मोटापा होने की टेंडेंसी हो सकती है, या लाइफस्टाइल की गड़बड़ी हो सकती है। और हार्मोन की बात करें तो चार हार्मोन होते हैं जो कि मोटापा करते हैं, या तो थायराइड हार्मोन की कमी हो, या ग्रोथ हार्मोन की कमी हो, या कॉर्टिसोल हार्मोन का एक्सेस हो, या इंसुलिन हार्मोन का एक्सेस हो। इन हार्मोन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर खानदानी मोटापा, खानदानी मोटापा उनको होता है जिसके खानदान में कोई मोटा हो, किसी को डायबिटीज हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो, किसी को शुगर हो, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो, या हार्ट अटैक हो। तो ये पांचों जीन शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, पांचों का जीन सेम होता है। और किसी के माँ बाप को मान लो डायबिटीज है तो उसका बच्चा मोटा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि मोटापे जो खानदानी होता है उसे दो गड़बड़ी होती है। एक तो उनके अंदर क्या होता है कि फैट ज़्यादा बनता है, उनके बॉडी के मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि वो लोग जो भी खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट ज़्यादा होता है, वो कैलोरी बनाने बर्न कम होता है। तो चूंकि वो फैट इकट्ठा ज़्यादा करते बर्न कम करते हैं इसलिए मोटे होते चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि मोटापा जो खानदानी वालों को भूख ज़्यादा लगती है, वो अपना भूख कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर कभी खाने में देर हो जाती है तो उनको चक्कर, घबराहट, अनकंफर्ट होता है, जिसकी वजह से उनको खाना पड़ जाता है। और कितने बार देखा है कि खानदानी मोटापा वाले खाना देख कर उनको भूख लग जाती है, भूख मान पेट भरा भी है फिर उनको टेस्टी खाना देख लिया तो उनको खाने का मन कर जाता है, वो अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल चार गड़बड़ी होती है। और कोई खाने की मात्रा ज़्यादा खा रहा, कोई खाने में फैट ज़्यादा खा रहा, सलाद कम खा रहा, या एक्सरसाइज कम कर रहा तो उसका वेट बढ़ेगा। अब खानदानी मोटापा भी टेंडेंसी दो तरह होती है, और किसी के केवल माँ बाप में कोई एक साइड मोटा है तो उसका मोटापा आएगा 25-30 साल के बाद, या औरतों के अंदर बच्चा होने के बाद। पर अगर किसी के अंदर दोनों साइड मोटापा है, टेंडेंसी है माँ साइड पापा साइड भी, तो उनका मोटापा बचपन में ही आ जाएगा। अगर कोई बच्चा पैदा होते समय उसका वेट 3.5 किलो ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका फैट से ज़्यादा है, फैट ज़्यादा बन रहा। अक्सर ऐसे बच्चे एडल्ट होकर मोटा होने की टेंडेंसी होती है अगर प्रिकॉशन ना ले तो। तो अगर किसी के अंदर मान लो फैट टेंडेंसी वन साइड, सिंगल फैट टेंडेंसी है, तो उनको मिनिमम चाहिए कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज टू मेंटेन वेट। अगर दोनों साइड मोटापा है तो उनको 60 मिनट एक्सरसाइज करना पड़ता है वेट कंट्रोल करने के लिए। अगर लूज करना चाहें तो कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब हम जो दूसरी हार्मोन बात हो रही कि जब हमने आपका टेस्ट रिपोर्ट देखा तो आपके ब्लड टेस्ट में इंसुलिन हाई है, तो इंसुलिन हाई के कारण क्या होते हैं। तो जब भी किसी का इंसुलिन हाई होता है और ब्लड शुगर नॉर्मल होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, नॉर्मली इंसुलिन का काम, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पेट में पैंक्रियास से निकलता है और ब्लड में जाकर के ब्लड में शुगर को निकाल के मसल्स के अंदर पुश कर देता है, जहां किसका यूज होता है एनर्जी बनाने में या फैट बनाने में। तो अगर किसी का इंसुलिन ज्यादा है और इंसुलिन अच्छा काम करता तो ब्लड शुगर लो होना चाहिए था, बट चूंकि क्या होता है कि आपके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट है। अक्सर क्या होता है कि जब जीन में डिफेक्ट होता है पैदाइशी डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन कम काम करता है। तो जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम क्या होता है कि अगर उनके मसल्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर, लीवर के अंदर इंसुलिन हार्मोन कम काम करता है, ऐसे लोगों के क्या होता है जीन में पैदाइशी डिफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से इंसुलिन मसल्स, लीवर एंड फैट सेल में कम काम करता है। जब कम काम करता है तो ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है।
जहां ब्लड में शुगर बढ़ने लगता है तो बॉडी सेंस करती है कि ब्लड शुगर बढ़ रहा, बॉडी पैनक्रियाज जो पेट में ग्लैंड को ऑर्डर करती है कि शुगर बढ़ रहा इंसुलिन और बढ़ाओ। बाय गॉड ग्रेस अगर इंसुलिन मशीन ठीक होती है तो इंसुलिन मशीन एक्स्ट्रा इंसुलिन बना देगी। अब एक्स्ट्रा इंसुलिन ब्लड में शुगर को निकाल के ब्लड मसल में पुश कर देगा, फैट सेल पुश कर देगा, लिवर पुश कर देगा, तो ब्लड में शुगर नॉर्मल आ जाएगा। तो हाई इंसुलिन ब्लड शुगर को नॉर्मल कर दिया, बट अब उस मरीज को डायबिटीज बच गया, बट उसके क्या कीमत चुकानी पड़ी, उसका ब्लड शुगर नॉर्मल है बट इंसुलिन हाई है। अब हाई इंसुलिन क्या करता है, इसके और भी साइड इफेक्ट भी हैं, ये गर्दन के स्किन को काला कर देता है, फैट शेल में फैट ज्यादा बनाता है जिससे मोटापा आता है, ब्लड प्रेशर भी टेंडेंसी बढ़ जाती है, गर्ल्स के अंदर ये ओवरी पे काम करके ओवरी के अंदर मेल हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसके वजह से गर्ल्स को पिंपल आ सकते हैं, चेहरे पर अनचाहे बाल आ सकते हैं या पीरियड लेट हो सकता है। अगर इंसुलिन और ज़्यादा होगा तो इंसुलिन ओवरी के अंदर एक फॉर्मेशन को इंटरफेयर करके एक बनना रोक देता है। तो जब भी ओवरी के अंदर अगर एक नहीं बनेगा तो मल्टीपल इमेच्योर एग्स दे विल लुक लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। तो इंसुलिन बढ़ने से गर्ल्स के अंदर पीसीओडी हो जाता है। तो हाई इंसुलिन होना यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापा का कॉमन कारण है। जितना भी आप आसपास मोटे लोग आदमी और देखते हैं और उनका फास्टिंग और टू आवर आफ्टर हैवी ब्रेकफास्ट अगर इंसुलिन चेक करेंगे और साथ में फास्टिंग और टू आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्लड शुगर चेक करेंगे तो 50% मरीजों में इंसुलिन हाई निकलेगा और ब्लड शुगर नॉर्मल निकलेगा। इस कंडीशन में बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। इसका मतलब कि उस मरीज के अंदर उसके टिश्यू में इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस ना होता, अगर इंसुलिन काम करता तो शुगर नॉर्मल होता, इंसुलिन नॉर्मल होता, तो उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसका शुगर नॉर्मल है एट कॉस्ट ऑफ हाई इंसुलिन लेवल। वो हाई इंसुलिन बॉडी के डिफरेंट अदर पार्ट में और सिम्टम कर रहा है, जैसे मोटापा, लेट पीरियड, पिंपल, अनचाहे बाल कर रहा है, इसलिए उसको सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब कई सिम्टम का इकट्ठा होना। अब मान लो मोटापे की वजह से, इंसुलिन की वजह से मोटापा हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, तो इंसुलिन ठीक कैसे होगा? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले बताया कि होता क्यों है, ये अक्सर उनके होता है अंदर होता है, जैसे खानदान में किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाईवी स्मोकिंग, एक्सीडेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जैसे डायबिटीज होता है मरीज, मान लो किसी के बाबा को डायबिटीज है, तो डायबिटीज भी क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन कम काम करता है। मतलब डायबिटीज होने से कम से 20 साल पहले, सपोज किसी को 40 ईयर में डायबिटीज हो गया, तो 20 साल पहले उसके अंदर भी इंसुलिन का असर पहले कम होता है। जब इंसुलिन का असर कम होता है तो बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनाती है शुगर कंट्रोल रखने के लिए। तो अगर 40 साल में डायबिटीज हो रखा है किसी को, तो अगर 20 साल उसका चेक करोगे तो उसका भी इंसुलिन हाई और शुगर नॉर्मल निकलेगा। तो एक्स्ट्रा पैनक्रियाज इंसुलिन मशीन एक्स्ट्रा काम करके शुगर को मेंटेन रखती है, पर जैसे जैसे समय बीता जाता है इंसुलिन मशीन अगर मतलब दुगना काम कर रही है तो उसकी लाइफ भी हाफ हो जाएगी। तो समय के साथ साथ बॉडी के अंदर इंसुलिन मशीन वीक होती जाती है और इंसुलिन बनना घटता जाता है, और जैसे इंसुलिन घटने लगता है ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। 15-20 साल बाद इंसुलिन मशीन की एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो जब इंसुलिन एक्स्ट्रा नहीं बन पाता है और इंसुलिन का असर कम है तो ब्लड शुगर बढ़ करके डायबिटीज हो जाती है। इसलिए अगर आप इंसुलिन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में डायबिटीज खतरा है, मैं बोला ब्लड प्रेशर खतरा है, आपको पीसीओडी गर्ल्स के अंदर पीसीओडी खतरा है, इवन हाई इंसुलिन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है। इसलिए इंसुलिन कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो अब बता दिया मैंने अभी कैसे ठीक होगा। तो इंसुलिन जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो इंसुलिन का असर बढ़ जाता है, जब इंसुलिन असर बढ़ेगा तो बॉडी इंसुलिन कम बनाना पड़ेगा। जब भी अगर आप वेट कम करोगे, चाहे डाइट कंट्रोल से चाहे एक्सरसाइज कम करके, तो मसल्स के अंदर से फैट घटेगा, लीवर के अंदर से फैट घटेगा। तो जब भी इस उन टिश्यू से फैट घटती है तो इंसुलिन का असर बढ़ जाता है।
तो जो जो चीज़ इंसुलिन असर बढ़ाएगी वो कम इंसुलिन में शुगर कंट्रोल कर पाएगी, तो बॉडी इंसुलिन कम बनेगा, इंसुलिन कम बनेगा तो ब्लड इंसुलिन लेवल कम होगा, उससे वेट घटेगा, बाकी असर भी नुकसान कम होंगे। तो जब भी ऐसे मरीज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कि डाइट में खाना थोड़ा कम करिए, एक्सरसाइज बढ़ाइए, वेट कम की पूरी कोशिश करिए, उनको वेट कम कुछ दवा देते हैं हम, उससे वेट कम हो जाता है तो इंसुलिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कभी भी 7-8 किलो या 10 किलो वेट कम कर लोगे तो इंसुलिन प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाती है। इसी तरह मान लो जो किसी को पीसीओडी गर्ल्स को मोटापे की वजह से अगर 8-9 किलो वेट कम कर लेगी तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा। फिर दवा क्या देती हम, तो हम इंसुलिन कम करने के लिए गोली आती है मेटफॉर्मिन और दूसरी गोली आती है मायोआइनेसिटोल, दो गोली आती है जो इंसुलिन को इंसुलिन का असर बढ़ा करके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा ब्लड में कम होता है। तो मेटफॉर्मिन क्या एक गोली होती है जो हम डायबिटीज में देते हैं, मेटफॉर्मिन डायबिटीज और दिया जाता है, ये जब गोली मरीज खाता है तो उसके मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर, फैट सेल के अंदर ये इंसुलिन का असर बढ़ा देता है। उसी तरह मायोआइनेसिटोल भी इंसुलिन का असर बढ़ा देता है। तो जब इस गोली से ब्लड में इंसुलिन का असर बढ़ जाएगा तो कम इंसुलिन से भी शुगर नॉर्मल रहेगा, तो बॉडी को इंसुलिन बनाने की जरूरत कम पड़ेगी। तो ब्लड फिर जब गोली खाओगे मेटफॉर्मिन तो कुछ बार टेस्ट करोगे तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आएगा और इंसुलिन लेवल भी नॉर्मल आएगा। जब इंसुलिन लेवल नॉर्मल आएगा तो वेट भी कम होगा, बाकी समस्या भी ठीक होंगी। तो इस तरह से आप मायोनेसिटॉल या मेटफॉर्मिन लेकर के स्टार्ट करें, धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें और वेट कम करें। वेट कम के लिए कुछ हमारी आयुर्वेदिक दवा भी आती है फैट बर्नर, कुछ और भी दवा आती है वेट कम करने के लिए, जैसे ऑलिस्टेट, ये भी दे करके हम मरीज का वेट कम करते हैं। जब भी 7-8 किलो वेट कम हो जाएगा तो आपका ये इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी लाइफ लॉन्ग आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जैसा बोला कि एक्सरसाइज करने से इंसुलिन का असर बढ़ता है, तो लाइफ लॉन्ग 45 मिनट एक्सरसाइज करिए, डाइट में चिकनाई मीठा कम खाएं एंड ट्राई टू मेंटेन हेल्दी वेट। इस तरह से आप इंसुलिन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और आप स्वस्थ रह पाएंगे।